नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। 2022 का चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है। इसी के चलते कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिसंबर को मुरादाबाद दौरे पर रहेंगी, जहां वो प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल समेत कई लोग और मौजूद रहेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस दौरान विदेशों से आने वाले यात्रियों की लखनऊ एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण बैठक करके एयरपोर्ट पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और यात्रियों के सामान को सैनिटाइज भी करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही विशेष सावधानी बरतने के लिए एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं। देखिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ 100% आरटीपीसीआर उनका होना ही है। इधर दे आर अपने साथ वो आरटीपीसीआर का रिजल्ट लेके आ रहे हों या 100% वैक्सीनेटेड हों, जो भी लखनऊ में लैंड करेगा और अगर वो बाहर के डेस्टिनेशन से, आउट ऑफ कंट्री डेस्टिनेशन से हमारे यहाँ आ रहा है, तो उसका 100% आरटीपीसीआर होगा, जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त हो रहा है। और ये हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे ऊपर नए वेरिएंट का खतरा है। मान लीजिए किसी की रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा सिम्टम्स आता है, तो उसके बाद क्या कुछ कदम उठाए? हाँ, तुरंत हम उनको आइसोलेट करेंगे। हमने ये भी प्लान कर रखा है कि हम उनका दोनों तरह का टेस्ट करेंगे। यूपी की योगी सरकार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने के चाहे लाख वादे कर ले, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां अंबेडकर नगर में बस खारी में तैनात खंड विकास अधिकारी सविता सिंह पर 67,000 रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। वहीं जांच के बाद अधिकारी सविता सिंह को आरोपी पाया गया, जिसके बाद सविता सिंह को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, इस समय जो राजपुर कानपुर देहात में वीडियो थी श्रीमती सविता सिंह, इसके पहले उनकी तैनाती खंड विकास अधिकारी जनपद अंबेडकर नगर में थी। वहाँ पे एक भ्रष्टाचार के मामले पे उनकी जांच हुई थी और शासन द्वारा उनको इस पे निलंबित करने का ऑर्डर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास ने भेजा है। उसी के तहत उनको निलंबित किया गया है और इस समय आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय से अटैच किया गया है। हमीरपुर हाईवे पर बीती शाम लगभग 7 बजे से लगे जाम ने सुबह तक पूरा हाईवे जाम कर दिया। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र से हमीरपुर के भरौआ सुमेरपुर तक लगे भारी जाम में न सिर्फ आम लोग बल्कि इमरजेंसी सुविधाओं को भी जूझते हुए देखा गया। इस दौरान एम्बुलेंस में एक बच्ची बीमार हालत में एम्बुलेंस में ही रही। वहीं मौके पर एम्बुलेंस चालक ने सभी को रास्ता खाली करने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं वहां से हटा। वहीं स्थानीय पुलिस से भी मदद मांगी गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि इस जाम की वजह से ट्रक के टायर का फटना बताया जा रहा था, जिसकी वजह से इतना लंबा जाम लग गया था। जी, मैं तो सुबह 3 बजे से बसा हुआ यहाँ पर। अभी तक क्या आपको लगा यहाँ पर सुविधाएं कुछ पुलिस द्वारा दी जा रही हैं या नहीं? पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है जितना दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे जो गलती है आम पब्लिक की है और उसके अलावा यूपी रोडवेज की बसेस की, जो कि गलत लेन में जाके आगे जाके फंस जाते हैं, फिर पुलिस वाले उनको बैक करते हैं, जिसके चक्कर में एक गाड़ी अगर आगे जाती है तो उसको देख के 20 गाड़ियाँ और पीछे से जाती हैं और उस चक्कर में पूरा जाम लगता है। अगर हमारा आम आदमी सुधर जाए और यूपी रोडवेज की बसें सुधर जाएँ तो ये जाम ऐसे नहीं फंसेंगे। मथुरा में संत देव मुरारी बापू के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि संत देव मुरारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबरों की माने तो संत ने आत्महत्या की धमकी दी थी, साथ ही प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि संत पर छेड़छाड़ और चौथ वसूली के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं संत की धमकी के बाद प्रशासन ने संत को गिरफ्तार कर लिया है। देव मुरारी बापू पर आरोप थे मारपीट के, छींटाकसी के, असत्य और असत्य जांच में आएगा। बापू जी ने पुलिस को भी टारगेट किया था, हमारे जो दोषी अफसर से हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर गलत है तो, और सत्य और असत्य जाँच में आएगा। बापू से मैंने कल से अनुरोध किया, मैंने महोदय अपना पक्ष तो रखें। बाबा जी ने पक्ष नहीं रखा, बाबा जी ने कहीं किसी को टारगेट किया। मैंने और मेरी मीडिया ने सबने मिलके उन्हें बमुश्किल बचाया, आत्महत्या की धमकी देते हुए अंदर घुसे थे। मेरे और मेरे मीडिया कर्मी सभी भाइयों से अनुरोध पर वो बाहर आए
और चाकू लेकर अपने नस काटने का प्रयास कर रहे थे। अब भाई मेरा जो 6 दिसंबर का कार सेवा पद यात्रा घोषणा था उसके चलते मीडिया में काफ़ी हाईलाइट था और सीओ साहब इंस्पेक्टर साहब लगातार दबाव मेरे ऊपर बना रहे थे कि आप इस प्रकार का कोई कार्यक्रम ना करें। मैंने कोऑपरेट भी किया और मैंने ये बता दिया था कि जैसा आप चाहेंगे शांतिपूर्वक ये 6 दिसंबर का कार्यक्रम मुझे हाउस अरेस्ट करना चाहे या जेल भेजना चाहे जो धारा लगा मैं तैयार था, लेकिन इसी बीच मुझे इतना प्रेशराइज किया गया, इतना दबाव डाला गया और 29 नवंबर को एक महिला जो हमारी पड़ोसी हैं पिंकी द्विवेदी उनकी तरफ से जिसमें छेड़खानी रुपया वसूली और जान से मारने की धमकी आदि 8 धाराओं में मेरे ऊपर गंभीर मुकदमा किया गया।